हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू योर टैली पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो मैजिकल टीवी शोज होते हैं ना, ये इतना हिट क्यों नहीं हो पाते। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी मैजिकल टीवी शोज होते हैं, ये उतना लंबा नहीं जा पाते जितना दूसरे शोज चले जाते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई मैजिकल टीवी शोज क्यों हिट नहीं होते। हिट होते हैं इसी वजह से। तो आपको कमेंट सेक्शन में इतने लोग कहते हैं कि भाई हमें अलादीन की वीडियो चाहिए, बालवीर की वीडियो चाहिए, और ये शो हिट हैं, तो इसी वजह से तो मतलब इतने सारे लोग इनको जानते हैं। तो मतलब भाई मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे सास बहू वाले टीवी शोज होते हैं, मतलब जो इतना हिट होते हैं, इतना लंबे समय समय तक चले जाते हैं। और अगर मैजिकल टीवी शोज की बात की जाए, तो ये मतलब बालवीर के अलावा आपको कोई ऐसा टीवी शो नज़र नहीं आएगा जो कि 1000 से भी ऊपर गया हो, और ये एंड पर जाकर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होते हैं कि मतलब क्या ही कहने। मतलब अगर शुरू शुरू में ये हिट हो भी जाएं, तो एंड पर इतनी कम टीआरपी इनकी हो जाती है कि मेकर्स को मजबूरन इनको ऑफ एयर करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है मैजिकल टीवी शोज़ के साथ, इस पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं ओनली अलादीन, बालवीर या हीरो कॉमेडोन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जितने भी टीवी शोज हैं सबकी बात कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं और फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हो। अब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये बात की कि पाकिस्तानी जो टीवी शोज होते हैं, ये इंडिया से बेहतर क्यों होते हैं, इंडियन टीवी शोज से बेहतर क्यों हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप इंडियन टीवी शोज को बुरा भला कह रहे हो। मैंने जस्ट आपको रीजंस बताएं, हालांकि मैं इसमें कोई हेट नहीं फैला रहा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने मतलब हेट क्यों फैला रहे हो। मैंने जस्ट आपको रीजंस बताए, और अगर ये रीजंस ना हो तो फिर इंडियन टीवी शोज और भी बेस्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं मतलब शोज़ पर बात करता हूँ। मेरे लिए सभी टीवी शोज एक जैसे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक गेमर है, तो आप उससे ये पूछोगे ना, तो सबसे बेस्ट गेम कौन सा है, तो अगर वो पक्का गेमर होगा ना, तो वो आपको यही कहेगा कि सभी गेम्स बेस्ट हैं। इसीलिए वही लव पाकिस्तानी टीवी शोज़, वही लव इंडियन टीवी शोज़। तो इसमें कोई हेट फैलाने वाली बात नहीं है यार, मैंने जस्ट आपको रीजंस बताए, और डेफिनेटली ये जो सभी रीजंस हैं ना, ये हैं भी। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा, तो चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर फैंटेसी शोज की बात की जाए, कि ये मतलब जो शो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं ना, इनको ये शो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब न्यू जनरेशन के किसी भी बंदे को फैंटेसी शो दिखाओगे ना, तो उसे ये शो ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि मतलब इतने ज़्यादा लोगों को पसंद होने के कारण भी ये शो उतने नहीं आ पाते, उतने आगे नहीं जा पाते, जितना कि अगर इसके मुकाबले में देखा जाए कि सास बहू वाले टीवी सीरियल जाते हैं। और अगर डेली बेसिस की तरार पर देखा जाए, तो हर नए दिन सास बहू का आपको नया टीवी शो देखने को मिलता है, लेकिन जो फैंटेसी शो होते हैं, ये आपको मतलब बहुत ही कम तादाद में आपको ये देखने को मिलते हैं। मतलब कि इक्का दुक्का टीवी शो, वो भी बड़ी मुश्किल से आ पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका दोस्तों रीज़न ये होता है कि जो फैंटेसी शो होता है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा एक्टर या फिर एक्ट्रेस को बुलाया जाता है, जैसे कि इसके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन, उसके साथ जो मतलब इसमें सारा VFX का कमाल होता है। VFX से मुराद जो आपको बालवीर में परी लोग, या फिर जो अलादीन में आपको कुछ हद तक बगदाद पीछे सारा दिखाया गया, ये सारा VFX का कमाल होता है, जो कि मतलब एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से बनाया जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर को बुलाया जाता है, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और इस शोज़ की उतनी हद तक TRP नहीं जा पाती, जो कि सबसे मेन रीज़न होता है शो के ना आने का। और अगर बात की जाए इसके मुकाबले में सास बहू वाले टीवी सीरियल्स की, तो उसमें आपको जस्ट एक लोकेशन ढूंढनी है, एक घर ढूंढना है आपको, जो शूटिंग स्टार्ट कर देनी है, तो उसमें सीन कुछ ऐसा होता है। अब मतलब फैंटेसी शोज में भी आपको पहले एक घर या फिर लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, जैसे कि अगर बालवीर में देखोगे, पहले उनका बल्लू का घर था, उसके बाद एक बारन नगर दिखाया गया, तो ये एक रियलिटी में मौजूद होता है। लेकिन जो मतलब पीछे VFX वाला सीन होता है ना, उस पर जो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इतने ज़्यादा खर्चा आने के बाद भी इस शो की TRP इतनी नहीं जा पाती जितने के जो होते हैं हमारे मैजिकल, सॉरी, जितनी के सास बहू वाले टीवी सीरियल्स की जाती है। अब इन शोज की इतनी बच्चों की TRP क्यों नहीं बढ़ती? तो गाइज मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री करोगे भी कि इन शोज की इतनी ज्यादा TRP क्यों नहीं बढ़ पाती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैंटेसी शो में हमें देखने को मिलता है एक टाइप से मतलब मैजिकल चीजें, या फिर मतलब कुछ भी करेक्टर को उल्टा
उल्टा सीधा करके दिखाया जाता है। तो हर घर में जो टीवी शाम को चल रहा होता है, तो हम जो फैंटेसी शोज को ज़्यादातर न्यू जनरेशन के लोग पसंद करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि मतलब सभी फैमिली बैठ कर टीवी देख रहे होते हैं रात को, तो अगर यहाँ पर हम फैंटेसी शो को चलाएंगे ना, तो वो सभी लोग बीच में से बोल पड़ते हैं जो कि हमारे बड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या तुमने जिन पोर्ट टाइप लगाए हुए हैं, कोई मतलब सीधी सी बात, कोई फैमिली वाला टीवी शो चलाओ। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है कि इनकी टीआरपी इतनी बढ़ नहीं पाती, और यही रीज़न होता है कि इंटरनेट पर इन शोज़ को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर मौजूद है। और इसी वजह से बालवीर अलादीन की ऑनलाइन टीआरपी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से फैंटास्टिक शोज़ की ऑनलाइन टीआरपी बहुत बढ़ती है, दूसरी टीआरपी नहीं बढ़ती। क्योंकि घर में फैमिली के सामने सभी टीवी चल रहा होता है, तो वो फिर इस तरह की टीवी शो को नहीं लगाने देते, वो सभी जो फैमिली टाइम मिलकर देखते हैं, तो वो सभी जो होता है ना, वो मतलब दूसरे शोज़ को ही लगाते हैं जो कि सास बहू वाले टीवी सीरियल होते हैं। तो ज़्यादातर मतलब हमारे घर के मतलब इस तरह से सीन होता है। ये मतलब कुछ एक मेन बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से इन शो की इतनी मतलब टीआरपी नहीं बढ़ पाती जो कि टीवी की टीआरपी होती है। और अगर आप सास बहू वाले टीवी सीरियल्स के देखोगे ना, तो उनकी इंटरनेट पे इतने व्यूज़ मौजूद नहीं होंगे जितने के आपको देखने को मिलेंगे इन फैंटास्टिक शोज़ के व्यूज़। तो ये एक रीज़न होता है कि मतलब घर में मतलब हम जैसे जो एक दो तीन लोग मौजूद होते हैं जो कि इस तरह के शो को पसंद करते हैं, जो कि न्यू जनरेशन के आप कहें के लोग हैं, तो वो जो लोग हैं ना, वो फिर इंटरनेट पे इसको सर्च करके देखते हैं, वो घर में टीवी पर नहीं देख पाते, या फिर कुछ आगे पीछे टाइम करके जैसे कि दो बार या तीन बार एक शो चलता है तो वहाँ पे देखते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है इन शोज़ की टीआरपी ना बढ़ने का। वैसे तो रीज़न्स हर शो के अपने अपने होते हैं, मतलब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, और बहुत सारे शोज़ हैं भी जो कि वायरल भी होते हैं, लेकिन उन शोज़ को एक बड़ा मतलब ना पॉइंट होता है। लेकिन ज़्यादातर ये शोज़ जो है ना, ये इसी वजह से हिट नहीं हो पाते, ये जो इनके में एक मेन पॉइंट होता है। तो दोस्तों यही एक रीज़न होता है कि इन शोज़ पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और इनकी टीआरपी भी उस हद तक नहीं बढ़ पाती। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी मतलब के चैनल्स होते हैं ना, उन पर आपको फैंटास्टिक शो एक आधा ही देखने को मिलेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। आपको ज़्यादातर सास बहू वाले टीवी सीरियल्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मेन टाइमिंग होती है 7 बजे से 10-11 बजे के दरमियान हमारे घर में सभी फैमिली टीवी के सामने बैठे होते हैं, तो फिर वो इस तरह से जादू वाले जो टीवी शो छा कर रहे हैं इनको नहीं दिखाते। वो ज़्यादातर हमारी फैमिली जो होती है वो इसी शोज़ को देखना पसंद करते हैं, और जो हमारे जैसे एक दो लोग होते हैं जिनको फैंटास्टिक शो पसंद होते हैं, तो फिर वो इंटरनेट पर देखकर उस चीज़ को मतलब देखते हैं। तो ये बड़ा एक मेन पॉइंट का रीज़न होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इन शोज़ की जो टीआरपी है ना, इतनी नहीं बढ़ पाती। हालांकि रीज़न और भी होंगे, लेकिन ये एक मेन पॉइंट है और ये एक मेन रीज़न है। इसके अलावा इस शो के मतलब ना आने का, इन शोज़ के ज़्यादा ना आने का, इन शोज़ का इतने ज़्यादा लोगों को वेट करवाने का, या फिर ये जो सब सीन है, ये इसी वजह से होता है। तो आपके ख्याल में कोई और रीज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सभी कमेंट्स को रीड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।